सीएम हेमंत सोरेन के विधानसभा बजट सत्र में शामिल होने की याचिका पर 26 को होगी सुनवाई। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट अब हेमंत सोरेन के बजट सत्र में शामिल होने की आग्रह वाली याचिका पर सुनवाई सोमवार 26 फरवरी को करेगा। वहीं ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। बता दें कि इस मामले में पीएमएलए कोर्ट ने सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी है। इसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, क्योंकि निचली अदालत ने उस हमारे आवेदन को अस्वीकृत करते हुए परमिशन नहीं ग्रांट किया था, तो उसको हम लोगों ने कल रिट फाइल करके अर्जेंट मोशन में मेंशन किया गया था। उसको आज लगवाए थे हम लोग रिट में परमिशन लेकर के, और आज उस पर सुनवाई हुआ और कोर्ट ने सुनने के बाद उनको समय दिया है कि आप समय उसमें जवाब दीजिए और मंडे को 10:30 बजे इसकी अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर है। कई अन्य केसों में इस तरह के आदेश मिले हैं, परमिशन ग्रांट हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। आपके ढुल्लू महतो हैं, नलिन सोरेन जी का मैटर है, मधु कोड़ा और अन्य बहुत सारे, और पप्पू यादव, इस तरह के बहुत सारे मैटर्स हैं जिसमें कोर्ट ने स्पेशल केसेस में परमिशन ग्रांट किया है। तो उसीलिए चूँकि बजट सेशन है, हमारा मनी बिल है, हर दिन जो मनी बिल पर वोटिंग होता है, इट्स अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन द गवर्नमेंट, इसको देखते हुए हम लोगों ने ये परमिशन ग्रांट, मैंने परमिशन मांगा है कोर्ट से। और चूँकि बहुत छोटा सत्र है, 5 दिन का ही है, बहुत बड़ा भी नहीं है, अगले फ्राइडे को ये ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हमने ये प्रेयर किया है। ईडी की तौर तो की ओर से तो ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए, क्योंकि ईडी का कोई मतलब नहीं है, हाउस के प्रोसीडिंग से ईडी को क्या मतलब है, उसके इन्वेस्टिगेशन को भी अफेक्ट हम नहीं कर रहे हैं, उसके जुडिशन को भी हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, तो फिर भी ऑब्जेक्शन आ रहा है, लेकिन तो अब देखते हैं क्या आता है।